ये हमारा बच्चों डाउटनेट का ऑफिस है जहां से हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं। चलिए देखते हैं कि किस स्टूडियो में टीचर अवेलेबल है। और हाँ, मिल गए हमारे आपके एक फेवरेट टीचर, नाम गेस करिए कौन होंगे। हेलो बच्चों, तो आज देश में जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर जेई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट की जो डेट होने वाली है, क्या वो जनवरी होने वाली है या फिर अप्रैल होने वाली है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको डाउटनेट के जो एक्सपीरियंस टीचर है, क्योंकि मैंने तो आपको कई बार कहा है कि आपका जो जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का जो डेट आने वाली है वो अप्रैल में आएगी। इसके काफ़ी रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाउटनेट के जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो क्या सोचते हैं जेई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में। क्या आपका जो एग्जाम डेट है वो जैन में होगा या फिर अप्रैल में होगा। और इसी बहाने बच्चों आज मैं आपको डाउटनेट के टूर भी करवाऊंगा हमारे स्टूडियो का। तो चलिए आइए बच्चों, जानते हैं कि हमारे जेई मेन की जो डेट है फर्स्ट अटेम्प्ट की वो क्या होने वाली है। जल्दी से आइए, चलते हैं। टीचर्स के जो पढ़ा रहे होंगे बिजी होंगे। और यहाँ पे बच्चों ये आप देखेंगे कि हम यहीं से शूट करते हैं, आपके लिए जो लाइव क्लासेस होती है वो यहीं से आती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि किस स्टूडियो में टीचर अवेलेबल है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे करेंगे, अब हम यहाँ तो बात करें। आप बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि कामे सर जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है वो क्लास ले रहे हैं। सर, हम आपको अभी डिस्टर्ब करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो यार बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि जेई मेन की जो डेट का कंफ्यूजन है जैन और अप्रैल में, तो सर आप यहां पे पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज है जेई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर। तो सर क्या डेट होने वाली है, क्या आप हमें बताएंगे। जैसा कि यार बच्चों आपको अभी तक पता है कि अभी तक NTA की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें पिछले साल, तो सर अभी तक अक्टूबर तक आ चुका था, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हमने भी देखा था कि बहुत सारी न्यूज़ में हमने देखा था कि भाई नवंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट शायद इनका अप्रैल में होगा। हाँ, क्योंकि सर नवंबर लास्ट हो चुका है और कोई भी NTA की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई पोस्ट नहीं आया है। ओके, और अगर बाय चांस NTA सर वैसे भी होता है ना, कभी भी सरप्राइज लेकर आ सकता है। बिल्कुल सर। तो आपको तैयारी तो अभी भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अप्रैल में एग्जाम होगा तो सर हम अभी तैयारी नहीं करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। आपको ये मान के चलना है कि हाँ जनवरी में भी हो सकता है, तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी चाहिए। तो जैसा कि सर यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका बच्चों जो एग्जाम की डेट होने वाली है फर्स्ट अटेम्प्ट की जेई मेन 2023 की, वो होने वाली है अप्रैल में। सर के हिसाब से डेट अप्रैल में हो सकती है। और सर वैसे भी मुझे पता है कि जेई मेन में जो सिलेक्शंस का मेन जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है केमिस्ट्री। तो यहाँ पे बच्चों केमिस्ट्री वाले सर ने तो बिल्कुल कहा है कि काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके जो डेट है फर्स्ट अटेम्प्ट की वो अप्रैल में रहे। बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपको डिस्टर्ब किया। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं किसी और टीचर से, जानते हैं कि कब आपकी डेट आने वाली है, जैन में या फिर अप्रैल में। चलिए, तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडियो आप देख पा रहे होंगे और काफ़ी बच्चों आपके लिए हम लाइव क्लासेस यहाँ से ही रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा बच्चों डाउटनेट का ऑफिस है जहाँ से हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों चलिए टीचर्स देखें कहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हाँ, मिल गए हमारे आपके एक फेवरेट टीचर, नाम गेस करिए कौन होंगे। आ जाइए जल्दी। तो देख सकते हैं सर, सौरभ सर एक मिनट, आपको क्लास के बीच में मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन बच्चों के मन में काफ़ी डाउट है सर, बच्चे पैनिक हो रहे हैं क्योंकि अभी जितने भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न है कि जेई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट क्या होने वाली है। तो सर आप मुझे प्लीज़ बच्चों को थोड़ा बताइए कि देखिए सर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होना है जेई का, जहाँ तक मुझे लगता है अपने इतने सालों के अनुभव में, वो लगता है कि जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में होना चाहिए। अच्छा, उसका कारण है, कारण ये है बेटा कि देखो अप्रैल में होने के सर दो कारण हैं।
एक तो ये कि आपको बहुत अच्छे से टाइम भी मिल जाएगा, पहली चीज तो ये कि, और दूसरी चीज है कि यार बोर्ड वगैरह के एग्जाम से आप फ्री हो जाओगे। जी सर बिल्कुल, सबसे मेन कारण तो ये है पहला तो, कि यार बच्चों के बहुत सारों के तो बोर्ड के एग्जाम भी हैं फरवरी में मार्च में, तो मुझे लगता है कि बोर्ड के एग्जाम से फ्री हो जाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से दे पाओगे पहली बात तो। और अभी तक जेई मेन्स ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाला है, ना ही तो उन्होंने एडमिट कार्ड के लिए कुछ बोला है, अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो सर मुझे लगता है प्रोसेस में टाइम भी लगता है। बिल्कुल सर ये बात तो है, ऐसा आपने सही कहा कि तैयारी करनी है बच्चों को तो थोड़ा बहुत तो टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सर जेई मेन अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, संभावना है। अगर सर इनका बाई चांस, वैसे बच्चे चाहेंगे नहीं क्योंकि बच्चों ने तो हैशटैग कर रखा है जेई मेन 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल, लेकिन अगर इनका बाई चांस जैन में हो जाता है एग्जाम, ठीक है ना, जिसके चांसेस काफी कम है, तो क्या लगता है कि इससे बच्चों को फायदा होगा या फिर बच्चों को नुकसान होगा फर्स्ट जैन और जैन में होने के? सर जैन में होने के देखो दोनों चीज़ें हैं, फ़ायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा होने का कारण ये है कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, तो आप, और अगर आप अपना सिलेबस पूरा कर लेते हो तो आप सर कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो, या यूं बोल दीजिए कि और बच्चे उतना अच्छा स्कोर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो आप कम स्कोर में भी अच्छी रैंक ले आओगे या परसेंटाइल ले आओगे। लेकिन अगर अप्रैल में पेपर होता है तो बच्चों को जिनका सिलेबस नहीं हुआ उनको भी पूरा टाइम मिल जाता है। बिल्कुल सर, तो फिर कहीं ना कहीं 20-40 नंबर का जो ये फर्क है ना सर, ये मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट फुलफिल हो जाता है उस कंडीशन में। और इसका नुकसान ये है कि बच्चों को तैयारी का टाइम कम मिल रहा है, अप्रैल में होगा तो ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो दोनों चीजें हैं सर। तो जैसा कि यार बच्चों आपने देखा कि चाहे मैथ की फैकल्टी हो, चाहे केमिस्ट्री की फैकल्टी हो, या फिर फिजिक्स की सर हो, सबका मानना यही है कि आपके जो एग्जाम की डेट होने वाली है वो अप्रैल में होने वाली है। और अगर बाई चांस बच्चों, कोई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमारी किस्मत इतनी खराब है कि एनटीए डेफिनेटली जैन में ही एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन अगर आपके एग्जाम जैन में भी होता है फर्स्ट अटेम्प्ट का, तो आप इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। आप ये सोचिए कि यार जब फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में जो आपका गैप होगा वो आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जितनी भी मिस्टेक करेंगे वो आपको सेकंड अटेम्प्ट में उसको सही करने के लिए काफी सफिशिएंट समय होगा, 3 से 4 महीने वहां पे होंगे, तो आप उसको बेटर तरीके से सेकंड अटेम्प्ट को भी कर सकते हैं। और सर मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो जनवरी में भी हो भी रहा है तो भी बच्चों को नहीं घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनवरी में ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ 10 बच्चों का पेपर लेगी जेई मेन, लेगी तो सबका ही लेगी, तो वो तो सबके लिए ही सेम टाइम मिल रहा है ना सर तैयारी के लिए, तो ये तो रिलेटिव वाली बात हो जाती है। बच्चे बोलते हैं सर पेपर टफ आ गया, तो भाई टफ है तो सबके लिए, सबके लिए टफ होता है। बिल्कुल सर, उस हिसाब से कट ऑफ भी उसी हिसाब से गिर जाती है। बिल्कुल सर, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, अपना भरोसा रखिए अपने आप पे, अपने टीचर्स पे, अपन एक दिन जरूर जीतेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि यहाँ पे हमने आपको डाउटनेट का ऑफिस भी दिखा दिया, और यहाँ पे टीचर किस तरीके से क्लासेस लेते हैं आपके लिए वो भी बता दिया, और साथ ही साथ जो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का टॉपिक बना हुआ था, प्रश्न बना हुआ था कि सर जेई मेन 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट कब होने वाला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे टीचर्स ने भी कन्फर्म कर दिया कि आपका जो पेपर होगा वो अप्रैल में जाएगा, और एनटीए का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप पैनिक मत होइए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। ठीक है सर, अब इनको बाय करते हैं। थैंक यू, थैंक यू बच्चे।